नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई। जी हाँ साथियों, कई बार आप बात का टॉपिक तो मैंने ये रहेगा कि विदेशों से बैठ के लोग एक दूसरे को गालियां देते हैं। जी हाँ साथियों, और उनको ये लगता है भाई अपना क्या पता लगेगा, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं अपनी खुन्नस निकालते हैं। जी हाँ, इसी से रिलेटेड बात करेंगे कि आपके पास भी ऐसे विदेशों से धमकी भरे कॉल आते होंगे, इंटरनेशनल से कॉल आते होंगे, आप भी किसी के साथ ऐसी कुछ हरकतें करते होंगे, तो इनका कभी ना कभी तो अंत होता है। जी हाँ, इससे रिलेटेड एक केस दर्ज हुआ ITX सेल में, तो हम उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें भाई, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि गल्फ कंट्री से रिलेटेड सही इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए एक्चुअल में हुआ क्या बता दूं, जालंधर का मामला है पंजाब में। जी हाँ साथियों, एक शख्स है, मैं साथ में फोटो भी शेयर कर दूंगा। ये शख्स विदेश में बैठ के कम से कम पिछले 5-6 सालों से, जी हाँ, जो वहां पे जालंधर कोर्ट है, वहां पे जो हाई सेशन कोर्ट है, वहां पे कुछ महिलाएं, 5-6 महिलाएं करीब बताई गई हैं, उनको वो आदमी इंटरनेशनल कॉल से कॉल करके मतलब गलत बातें करता है, मानसिक तौर से परेशान करता है। जी हाँ, इसमें ITX सेल में उसके ऊपर IT धारा में मुकदमा दर्ज हुआ है और पुलिस ने छानबीन की तो पता चला नंबर विदेश के हैं, इंटरनेशनल कॉलिंग से वो कॉल करता है। आपको पता भाई, इंटरनेट से कॉल करते हो तो आपका रियल नंबर नहीं आता, आता आपका फेक नंबर आता है, इससे उसको ट्रेस नहीं किया जा सकता कि बंदा कौन है क्या है। फिर भी पुलिस ने उसका स्केच तैयार कर लिया, अपने IT जो सेल होती है, आपको पता भाई वहां मैटर जाता है तो पता लग ही जाता है, उसका स्केच जारी कर दिया है। पुलिस ने बोला भाई इस शख्स का, इस शक्ल का कोई बंदा आपको दिखाई दे तो हमें कमिश्नरेट ऑफिस से जालंधर में वहां पे हमें जरूर सूचित करें ताकि उसको गिरफ्तार किया जा सके। वो बंदा क्या करता है, पिछले एक महिला ने वहां पे केस दर्ज करवाया पुलिस कमिश्नरेट में, तो उन्होंने बताया कि ये बंदा काफी टाइम से हमें परेशान कर रहा है, इसने फोन किया कि फलानी आपका जो आपके पास में जो मैडम बैठती हैं एडवोकेट, उनका नंबर दीजिए, वो मेरी रिश्तेदार है। तो उसको शक हुआ तो उसने उसको तुरंत उसी समय लाइन पे ले लिया। लाइन पे लेते ही उसने बोला हाँ जी बोलिए कौन, मैं तो आपको नहीं पहचानती, तो उसने उस फोन को उस टाइम काट दिया। तो फिर वो उसको गाली गलौज करता है, तो उन्होंने बताया कि ये 5-6 सालों से कम 5-6 महिलाओं, एडवोकेट महिलाओं की इनके पास नंबर है, वो उनको इंटरनेशनल कॉल से फोन करके परेशान करता है, मानसिक एक तरह से मानसिक डिस्टर्ब वो बंदा करता है उनको, 5-6 सालों से गालियां देना, भद्दे मैसेज करना वगैरह वगैरह, जो भी उसकी करतूत होती है वो करता है। तो कहीं ना कहीं उसका स्केच जारी कर दिया है पुलिस ने। अगर आपको ये लगता है कि इस बंदे को हम पहचानते हैं तो जरूर आप भी इसकी शिकायत कर सकते हैं। बाकी भाई, इस गलतफहमी में मत रहना कि आप विदेश से बैठे इंटरनेशनल नंबरों से कॉल कर लेते हो और किसी को गाली दे देते हो। मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे जो एक्स्ट्रा दिमाग वाले होते हैं, व्हाट्सएप DP हटा के या दूसरी DP लगा के दूसरे नंबर से उनको लगता है कि भाई हाँ अपना काम नहीं हो रहा है, या जो वो उनको लगता है कि भाई मुझे तो सब कुछ फोकट में दे दो वगैरह वगैरह, जो भी उनकी सोच होती है, तो वो फिर गालियां लिखना, टेक्स्ट मैसेज करना, फिर वो ब्लॉक कर देना। ठीक है, तो मैं तो एक ही बोलता हूँ भाई, इंडियन नंबर से एक बार मैसेज कर दो, फिर आपको पता लग जाएगा कि किसी को व्हाट्सएप पे गाली देना या फिर सोशल मीडिया के थ्रू गाली देना, उसका नतीजा क्या हो सकता है, क्योंकि IT एक्ट में सीधा मुकदमा लगता है। और उसको ये एक अच्छा सबूत है इसमें कि पुलिस को छानबीन करने की जरूरत नहीं होती है, उस नंबर से इस नंबर पे गाली आई, मैसेज आया, गलत आया, कुछ भी गलत किया या आपने वॉइस रिकॉर्ड करके गलत भेजी, तो 100% एविडेंस आ गया पुलिस के पास। सबसे अच्छा पुलिस के पास ऑप्शन है उसको छानबीन करने की, माथा पच्ची करने की कोई जरूरत नहीं होती है, सीधा उसको अरेस्ट करना होता है। तो ये गलतफहमी में न रहे, और आपके साथ भी ऐसी कोई हरकत होती है तो भाई आप भी इसमें एक्शन ले सकते हैं। बस ये वीडियो आपके लोगों के साथ शेयर करना था, जानकारी अच्छी लगे लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय।